रविंद्र जडेजा से आईपीएल 2022 में खराब फॉर्म के चलते नाराज है सीएसके टीम, मैनेजमेंट कर सकती है आईपीएल 2023 में रिलीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्पोर्ट की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों क्या है आज की पूरी खबर बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप भी रविंद्र जडेजा को एक घातक ऑलराउंडर मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आपको बता दें आईपीएल 2022 शुरू होने से पहले रविंद्र जडेजा को सीएसके का कप्तान बनाया गया था। रविंद्र जडेजा इस सीजन में अपने आप को न बतौर कप्तान साबित कर पाए और न ही मैदान पर कुछ खास कर पाए। आपको बता दें जिस तरह से रविंद्र जडेजा ने सीएसके की कप्तानी छोड़ ली है, उस तरह से सीएसके टीम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा निराश दिखाई दे रहा है। रविंद्र जडेजा को सीएसके टीम मैनेजमेंट 2023 तक रिलीज कर सकता है और ऐसा करने पर कोई हैरानी भी नहीं होगी। आपको बता दें आईपीएल 2022 में सीएसके का जिस तरह से प्रदर्शन रहा है, उसके बाद सीएसके टीम कुछ अच्छे खिलाड़ियों को आईपीएल 2023 से पहले खरीदना चाहेगी। रविंद्र जडेजा को 16 करोड़ रुपए की कीमत पर टीम में शामिल किया गया है। अगर जडेजा को टीम से बाहर किया जाएगा तो उनकी जगह कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के अपडेट में इतना ही। आपको क्या लगता है रविंद्र जडेजा को सीएसके टीम से बाहर किया जाना चाहिए या नहीं, आप अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आईपीएल से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।